हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल की नमकीन। ये मैंने एक कप मूंग की दाल ली है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये छिलके वाली मूंग की दाल नहीं है, ये धुली दाल है। तो यहाँ मैंने इस दाल को भिगो लिया है। ये 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था और अब ये पूरी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। आप ऐसे नाखून से काट के देख भी सकते हैं। तो ये दाल बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल की नमकीन, जो सभी की बहुत ही फेवरेट होती है। वो हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे आज। अब हम इस दाल को कम से कम 3-4 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये एकदम हमें ड्राई मिले। तो आप देख सकते हैं इसका सारा पानी निकल चुका है और ये एकदम ड्राई हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा पानी रह जाता है। तो उसके लिए हम इसको एक कपड़े पे फैला देंगे। अगर आपके यहाँ धूप है तो आप इसको धूप में फैलाइए आधे घंटे के लिए। मेरे यहाँ इन दिनों बहुत बारिश चल रही है तो मैं इसको पंखे में सुखा रही हूँ और पंखे में मैं आधे घंटे से इसको ज़्यादा फैलाऊँगी ताकि इसका पानी बहुत अच्छे से सूख जाए। तो ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये तलने के लिए एकदम तैयार है। तो आइए इसे फ्राई करने के लिए ले जाते हैं। तो मैं यहाँ 3 चम्मच दाल एक छन्ने में ले रही हूँ और ये जो मैंने तेल चढ़ाया है ये एकदम हाई फ्लेम पे है और तेज़ तेल होना चाहिए, तभी हमारी जो ये नमकीन है वो खिली खिली बनेगी। तो एक बार हम इसे हिला के और इसको चेक कर लेंगे। आप जब भी इसको बाहर निकालें तो आप एक बार एक दाना दो दाना इसका चेक कर लीजिएगा ताकि ये कच्चा ना रहे। कई बार क्या होता है कि ये अंदर से कच्चा रह जाता है तो मज़ा नहीं आता है। जब आपको लगे कि ये पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है तभी आप इसको बाहर निकालें। और इसी तरह से हम अपनी सारी दाल को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो ये देखिए, ये हमारी सारी दाल की नमकीन तैयार हो चुकी है, एकदम बाजार जैसी कुरकुरी बनी है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम सामान में। आप देख सकते हैं एकदम खिली खिली है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि इस नमकीन में केवल नमक ही डाला जाता है, नमक ही होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक को ध्यान से घेरिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, फिर नमकीन का स्वाद चला जाएगा। तो लीजिए, तैयार है आपकी मूंग की दाल की नमकीन। तो आप भी इसे घर में बना के देखिए और मुझे कुछ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये नमकीन कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, हम अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।